नेक्स्ट थ्योरम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हमें समझने होंगे। तो देखिए, इधर हम एक थ्योरम समझ रहे हैं जो कि उस पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करती है। एक्चुअल में आपकी बुक में तीन थ्योरम्स दी हैं, एक जब राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हम लोग हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो तीन ट्रायंगल्स बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं, दूसरी थ्योरम आपकी पाइथागोरस दी है और तीसरी थ्योरम आपकी पाइथागोरस का कन्वर्स दी है। तो हम लोग जो है ऑलमोस्ट तीनों की ही बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल, एक ये नीचे छोटा ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, और होपफुली तीनों ही ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो ऐसे केसेस में थ्योरम ये कहती है कि तीनों के तीनों राइट एंगल ट्रायंगल जो यहाँ पर हैं इस सिचुएशन में वो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसके प्रूफ की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आपको जो है यहाँ पर समझने हैं और आपकी बुक में दिए तो हुए हैं लेकिन वो एक प्रॉपर लैंग्वेज के साथ नहीं है। आई विल टेल यू हाउ कि उनको जो है पूरा कंक्लूड कैसे करना है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी इस थ्योरम की। यहाँ पर क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी है, इंफॉर्मेशन ये दी है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री एट बी बन रहा है, आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉ किया है कहाँ पर, ए सी पर, ए सी पर यानी कि आपके हाइपोटेनस पर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये थ्योरम ये कहती है कि आपके ऑल थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर होंगे, तीनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो हम लोग यहां पर समझते हैं कि ये सिमिलर कैसे होंगे और यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट कैसे निकलते हैं। तो देखिए, बहुत ही इजी है लेकिन बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस तरीके के फिगर को समझने में और लिखने में, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। आप तीनों ट्रायंगल को तो बहुत इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये बड़े वाले ट्रायंगल में बी पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमने कहा कि ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा, सपोज थीटा है, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला एंगल क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। फर्दर हम लोग देखें तो देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में जो नीचे बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और ये पूरा 90 आप देख रहे हैं, इतना एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा होना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप इसको प्रॉपरली विजुलाइज करें तो तीनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं। देखिए, हर ट्रायंगल में 90 है, थीटा है, 90 माइनस थीटा है, आप मेरी बात समझ गए। तो तीनों के तीनों ट्रायंगल्स इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला कि तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब इसका रिजल्ट कंक्लूड करना होता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और दूसरी बात वो यही नहीं समझ पाते कि इसमें कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। तो मैं आपको समझाता हूं कि इसको किस तरीके से लिखना है। आप सेम फिगर चाहे तो रफ में बना सकते हैं, आप सेम फिगर चाहे तो थीटा 90 माइनस थीटा करके जो है किसी अपने फेयर में भी बना सकते हैं। तो हमको समझना कैसे है वो आपको यहां पर देखना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम जो ट्राइंगल सिमिलर
लिखा रहे हैं उनके नाम हम प्रॉपर लिखें, अदरवाइज हम लोग वो करस्पॉन्डिंग साइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी साइट किसके करस्पॉन्डेंस में सेम रेशियो दे रही है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सबसे पहले अपना बड़ा ट्राइंगल देखते हैं, जो ट्राइंगल हमारा ए बी सी है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बाकी के सारे ट्राइंगल से आपस में सिमिलर है, और तीनों ट्राइंगल्स के जो तीनों एंगल हमें दिख रहे हैं वो भी क्या है, इक्वल है। तो आप ए बी सी को किस तरीके से बाकी ट्राइंगल्स के सिमिलर लिखेंगे, या बाकी ट्राइंगल को किस तरीके से आप ए बी सी के सिमिलर लिखेंगे, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका नाम ठीक लिखें, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेने में अदरवाइज हमें दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं इसको याद रखने का तरीका भी आपको बताऊँगा अभी, और आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे इसको। तो देखिए, यहाँ पर हमने ए बी सी लिख लिया, अब हम इस छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या लिखा है, ए ए का जो एंगल हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 90 माइनस थीटा। तो आप इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए कि 90 माइनस थीटा किस वर्टेक्स पे बन रहा है, तो आप कहेंगे बी पर। तो आप इस ए के सामने क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। समझ में आई बात। फिर आप देखिए कि बी पर क्या बन रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में 90 बन रहा है। तो आप देखिए कि छोटे वाले जो ट्राइंगल में, जिसको आपने ये वाला ट्राइंगल लिया नीचे वाला, इसमें जो है 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, डी पे बन रहा है। और जब आपने दो लिख लिए तो तीसरा तो अपने आप आ जाएगा। तो देखिए बी डी सी, और आपको समझना होगा कि सी तो दोनों में कॉमन है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फिट भी बैठा है, तो इससे आप अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। फर्दर देखिए, आप तीसरे ट्राइंगल का नाम जब लिखेंगे तो सेम अप्रोच आपको लगानी है। सबसे पहले देखिए ए, ए पर क्या बन रहा है, 90 माइनस थीटा। तो इस ऊपर वाले छोटे ट्राइंगल में ए के साथ 90 माइनस थीटा, मतलब ए वर्टेक्स खुद हो जाएगी क्योंकि वो कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर ए, अब देखिए बी, बी पे 90 बन रहा है, और छोटे वाले ट्राइंगल में 90 कहाँ बन रहा है, डी पर। तो यानी कि आप क्या लिखेंगे, डी, और उसके बाद जो बाकी की बची हुई वर्टेक्स है बी, वो अपने आप आ जाएगी। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि सी पर थीटा है, और इस ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल में थीटा कहाँ पर है, बी पर। तो इस तरीके से हम इसका नाम जब लिखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिजल्ट लेने वाले हैं तो वो रिजल्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पाइथागोरस में भी ये सेम रिजल्ट आपके काम करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मतलब अगर आप किसी भी ट्राइंगल में इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं तो आप सीधा लिख सकते हैं इस थ्योरम को, कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है इस तरीके से नाम लिख देने हैं। अब फर्दर देखिए हमारे यहाँ पर रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे हमको। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को इस वाले के साथ, ठीक है ना, अपन यहाँ नाम लिख लेते हैं 1, 2, 3। तो अगर मैं 1 और 2 को आपस में सिमिलर करूँ तो देखिए हमारे जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट है उससे देखिए हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा AB/BD। अभी हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, और इसके अलावा BC/DC, और फर्दर देखिए AC/BC। तो मैंने कई बार ये रियलाइज़ किया है कि स्टूडेंट ये सब तो लिख लेता है लेकिन उसको ये समझ ही नहीं आता कि एक्चुअल में मुझे यहाँ पर वो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट लेना कैसे है। तो मैं एक बहुत ही कीवर्ड आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, कि जो भी आप ये प्रोपोर्शनैलिटी जब लिख लेंगे साइड्स के बीच की, तो जो भी आपकी कॉमन साइड वहाँ पर दिख रही होगी, कॉमन साइड, आप देखिए यहाँ पर कॉमन साइड आपको क्या दिख रही है, आपको यहाँ पर कॉमन साइड BC दिख रही होगी। देखिए BC। एक और यहाँ पर जो है गलती बच्चे से हो जाती है, ऐसे वो कभी कभी लिखते समय यहाँ पर BC लिख देगा और यहाँ पर वो CB लिख देगा, तो फिर उसे समझ ही नहीं आएगा कि BC और CB जो है वो सेम है। तो ऐसे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो BC मुझे कॉमन दिख रहा है, इसका मुझे क्रॉस लगाना है। तो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला, मतलब क्रॉस किसका लगा रहे हैं आप, इन दोनों का, बिकॉज BC आपकी कॉमन आ रही है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे, BC² = AC into DC।
अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हमको बहुत आसानी से कैसे याद करना है। इसी तरीके से जब आप वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री यानी कि इस पूरे बड़े ट्रायंगल को और इस ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल को जब आप सिमिलर करेंगे और सेम इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी लिख के जब आप क्रॉस लगाएंगे, तो जो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट होगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ठीक। और सेम टू सेम जब आप टू एंड थ्री को सिमिलर करेंगे तो उस केस में आपको इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। अब सवाल ये नहीं है कि हम ये लिख नहीं सकते या हम ये कर नहीं सकते, सबसे बड़ा सवाल और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। भाई ठीक है, इन दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर लिया, फिर प्रोपोर्शनैलिटी लगा ली, लेकिन किस किस तरीके से हम इसको पूरा अपने दिमाग में बैठाएं, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा थंब रूल देता हूँ, आप उसको समझिए और आसानी से आप जो है पूरा का पूरा ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्टली भी जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये तो हम समझ गए कि तीनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, लेकिन लेकिन जिन दो ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कर रहे हैं, मैंने कहा कि उसकी कॉमन साइड जहां पर आ रही होगी उनका क्रॉस हमें लगाना है। तो देखिए, एक बात तो श्योर है कि जो कॉमन साइड है उसका स्क्वायर हो रहा होगा, तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि जिन भी दो साइड को हमने सिमिलर किया है, मतलब जिन दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर किया है उसकी एक कॉमन साइड होगी, उस कॉमन साइड का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, देखिए किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग साइड्स अलोंग द बिगर हैपिटनेस। बिगर हैपिटनेस कहने का मतलब वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का जो हैपिटनेस है, सबसे बड़ा वाला। तो देखिए, यहां पर हमने कहा कि मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल को ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना चाहता हूं, हमने कर दिया। और ऐसे केस में जो कॉमन साइड है वो क्या है, ए बी। आप देखिए, इस छोटे ट्रायंगल में और इस पूरे बड़े ट्रायंगल में कॉमन साइड क्या दिख रही है, ए बी। तो देखिए, ए बी का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग साइड्स अलोंग द बिगर हैपिटनेस। तो देखिए, इस पूरे बड़े हैपिटनेस पे जो दो साइड्स आ रही हैं उन दोनों ट्रायंगल्स की जिनको हमने सिमिलर किया है, तो वो कौन सी हैं, देखिए ए डी और ये पूरा ए सी। भाई उस बड़े हैपिटनेस पे ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए डी इंटू ए सी। ऑन द सेम हैंड अगर आप पूरे बड़े ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर करते हैं, तो देखिए ऐसे केस में कॉमन साइड क्या है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू ओवरलैपिंग साइड्स अलोंग द बिगर हैपिटनेस, देखिए क्या है, देखिए डी सी इंटू ए सी। और इसी तरीके से अगर आप दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं तो उसमें कॉमन साइड आपको क्या दिखेगी, बी डी। और बी डी का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए कॉमन साइड जो कि बड़े हैपिटनेस पे ओवरलैप कर रही हैं, मतलब ए डी और डी सी, ए डी इंटू डी सी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके बिना किसी झंझट के भी आ सकते हैं, और ये सेम चीज आपसे जो है एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपकी एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन जो हैं वो इस सेम थ्योरम से प्रूफ हो रहे हैं, उसकी भी हम लोग बात करेंगे आगे। अभी हम लोग सिंपली थ्योरम्स और वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ट्राइंगल की डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गए। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगा, जिसपे कई बार क्वेश्चन आया है और बच्चे वो समझ नहीं पाते, हालांकि होता बहुत ईजी है। तो देखिए, ऐसे केसेस में यहाँ पर अगर आप ये एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मिलेगा हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी,
ठीक है ना। और इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं हम, एबीसी में आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाफ इंटू बी डी इंटू ए सी। तो ऐसे केसेस में देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, तो आपके जो बी डी की लेंथ है बहुत इंपॉर्टेंटली जो है पूछी जाती है कई बार, तो यहाँ से भी बी डी की लेंथ निकल रही है। और देखिए बी डी जो है वो यहाँ से भी रिलेट हो रहा है, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, जिसको इन शॉर्ट में यहाँ पर आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब ऐसे केसेस में ये जो बी डी है हमारा, ये बी डी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कई बार एम सी क्यू के केस में जो है आपको पाइथागोरस यहाँ अप्लाई करना पड़ जाती है, तो जहाँ हमें प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं लिखना है वहाँ तो हम लोग एटलीस्ट इसका यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये पूरा लिख कर भी हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं अगर हमें सोल्यूशन लिखना है। तो ये बात अगर आप समझ गए तो अब हमारे लिए पाइथागोरस को कंक्लूड करना जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा।